Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to discuss the competency based questions from the poem A Roadside Stand written by Robert Frost. Before we does discuss the competency questions, let's have a quick look at the chap poem. So, the basic summary of the chapter is that there are some roadside, uh, you know, there are some people living near the roadside and they have built a shabby shed and they have only one desire that is they are pleading for customers. Uh, they are pleading for city people who are rushing by to stop at the roadside stand and to buy some of their homegrown products. now, why do they want this? because city money is equivalent to city development. and the country people also want the same. they want, you know, their village to be developed. they want to feel some money in hand so that they too can enjoy the pleasures of life. but what is wrong is that the city people are preoccupied with their own lives. they are looking forward to the future. they do not think about the people at the roadside stand. in fact, they complain about this roadside stand that it is just, uh, you know, destroying the aesthetic beauty of the surroundings. they have, you know, uh, put the signs wrong on the roads. So, this is causing anger in the people uh, at the roadside stand. They want city like comforts but are denied uh, due to the selfish attitude of the city dwellers. And then, you know, there is also news in the newspapers that uh, the politicians are uh, promising them that they will take the land and in return, they will bring them closer to the village. सो दिस इज़ रिफरिंग टू एनक्रोचमेंट उनके लैंडस को एनक्रोच करके वहाँ पर यू नो वो अपने बड़े बड़े मॉल्स या ऐसे कुछ बनाने वाले हैं बट दे आर नॉट रियल प्रोपिस प्रामिसज दीज प्रस प्रसर ओनली टू लियोर पीपल लियोर पीपल मतलब उनको बेवकूफ बनाने के लिए ऑल द टाइम द रोड साइड एंड डर्स आर लुकिंग एट द रोड्स यू uh, नो you know, uh, उनकी आंखें ढूंढती रहती हैं कि कोई आएगा वहाँ पे रुकेगा हमारा सामान खरीदेगा फिर वो बताते हैं कि लोग आते हैं रुकते हैं बट सामान खरीदने के लिए नहीं अगर सामान मांगते भी हैं तो ऐसा सामान मांगते हैं जो रोड साइड वालों को यू you नो know, होता ही नहीं है लाइक गैस गैस मीन्स पेट्रोल तो वहाँ पे रोड साइड वालों को गुस्सा भी आता है कि उनको दिख नहीं रहा है

द फ्यूचर हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट्स ना ये जो था ये बड़ा एक ब्रीफ समरी ऑफ़ द पोएम था अगर आप डिटेल्ड समरी देखना चाहते हो डिड पोएम को स्टडी करना चाहते हो उसका क्रिटिकल अनालिस स्टडी करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स डाल दूंगी और आप उसको यूज़ करके अपनी मर्जी के हिसाब से वीडियोज देख सकते हो सो लेट्स मूव ऑन टू द लिटरी डिवाइसिस ओके द लिटरी डिवाइस इन द लाइन द लिटिल ओल्ड हाउस आउट विद अ लिटिल न्यू शेड तो यहाँ पे आप देख रहे हो ओल्ड हाउस हैज़ बीन कॉन्ट्रास्टिड विद अ न्यू शेड तो यहाँ पे लिटरी डिवाइस है एंटाथिस एंटाथिस मीन्स अपोजिंग आइडियाज नेक्स्ट लिटरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट या आइडिया को क्वालिटी देते हैं ह्यूमन एक्शन देते हैं यहाँ पे इन द लाइन अ रोड साइड स्टैंड दू पैथेटिकली प्लेड प्लेट का मतलब है बेग करना भीख मांगना राइट right? अब रोड साइड स्टैंड जिस यू नो जो उन्होंने छोटी सी दुकान बनाई हुई है सड़क के किनारे कैन इट बैग इज इट द स्टैंड विच इज बेगिंग और इज इट दीपल हुर बेगिंग तो यहाँ पे जब हम स्टैंड को बोलते हैं कि वो एक ह्यूमन क्वालिटी ऑफ बेगिंग कर रहा है ह्यूमन एक्शन ऑफ बेगिंग कर रहा है इट इज़ परसोनिफिकेशन नेक्स्ट लिट्री डिवाइस एलिट्रेशन एलिट्रेशन इज रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड अल्फाबेट नहीं है बेटा याद रखना इट इज़ द सेम साउंड यहाँ पे पर साउंड इन पैथेटिकली एंड प्लेड इज द सेम एंड वी से इट इज एलिट्रेशन अगेन देर इज पर्सोनिफिकेशन इन द लाइन द सैडनेस दैट लर्क नियर द ओपन विंडो तेर लर्किंग इज अन क्वालिटी लर्किंग का मतलब होता है छुप कर वहाँ पे यू नो छुपे हुए वहाँ पे बैठी है तो यहाँ पे सैडनेस लर्क कर रही है अगेन ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लर्किंग इज गिवेन टू एन इन एनिमेट आइडिया दैट इज सैडनेस देन वी ऑल्सो है लिटरी डिवाइस मेटाफर मेटाफर का मतलब होता है इम्प्लाइड कंपेरिजन विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड्स एज सो एन लाइक जब हम कहते हैं ये उसके जैसा है वो दैट इज सिमिली बट जब हम कहते हैं ये तो वही चीज़ है देन इट इज मेटाफर ओवर हीयर देर इज मेटाफर इन द लाइन द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्राम सिंकिंग एंड विदरिंग फींट द फ्लार ऑफ सिटीज रिफर्स टू द मनी एंड द सेकेंड लाइन इज सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अन्सेट तो ये दोनों लाइन्स में मेटाफर यूज है ओके द नेक्स्ट लिटरी डिवाइस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है एन एडजेक्टिव हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स राइटफुल प्लेस टू हैदर क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड एपिथेट मतलब एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव को उसकी राइटफुल जगह से उठा के हम कोई ऐसी जगह पे लगाते हैं जहा पे नेक्स्ट पॉसिबल कनेक्शन हो सकता है

तो ग्रीडी गुड डूअर्स में ऑक्सीमोरॉन है क्योंकि जो ग्रीडी है वो गुड कैसे हो सकता है ऑपोजिट्स हैं बट बोथ ऑफ देम आर राइट दे प्रिटेंड टू डू गुड बट एक्चुअली दे आर ग्रीडी सेकेंड ऑक्सीमोरॉन इसी लाइन में है बीस्ट बीस्ट का मतलब जानवर जानवर बेनिफिशियल कैसे हो सकता है सो अगेन वी कैन सी एन ऑक्सीमोरॉन स्वाम ओवर द लाइफ एनफोर्सिंग बेनिफिट्स अगेन यहाँ पे एनफोर्सिंग बेनिफिट्स में आपको ऑक्जीमोरॉन दिखेगा बिकॉज बेनिफिट्स को एनफोर्स करना नहीं होता यू नो बेनिफिट्स के लिए हर कोई चाहता है बट यहाँ पे आयरन ही क्रिएट करने के लिए उन्होंने ऑक्जीमुरॉन का यूज़ किया है देन द नेक्स्ट लिटरी डिवाइस यूज इज रेपिटेशन द वर्ड लिटल हैज़ बीन रिपीटेड इन द सेम लाइन जब ऐसा होता है एक ही वर्ड उस लाइन में रिपीट होता है फॉर एम्फसिस तब हम कहते हैं दैट रेपिटेशन हैज बीन यूज्ड ओके द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस दैट वी विल डिस्कस इज अलिट्रेशन ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड इज अलिट्रेशन इन द फर्स्ट लाइन द पर इन पार्टी द पर इन पावर आर आर द सेम एंड देयरफॉर देयर इज अलिट्रेशन सेकंड लाइन में ग्रीडी और गुड में अलिट्रेशन है एंड अगेन बेनिफिशेंट और बीस्ट में भी एलिट्रेशन है इन द थर्ड लाइन द स स्क्वील साउंड एंड स्टॉपिंग यहाँ पेड है एंड देर इट इज एलिटन द नेक्स्ट थ्री डिज एसोनेस का मतलब होता है जब आपको जो वाउुल साउंड हैं वो रिपीट होते हुए नजर आते हैं इन दर्ड्स कॉल इट एसोनेस

तो क्यों बोला जा रहा है कि स्टैंड का जो एग्जिस्टेंस है वो पथेटिक है द रीज़न इज दैट कि जो लोग हैं रोड साइड स्टैंड पे खड़े हुए सामान बेच रहे हैं उनकी कभी भी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल्ड नहीं होती हैं जो रिच मैन हैं जो वहाँ से गुजर रहे हैं लोग सिटी मैन हैं वो कभी भी विलेजर्स की तरफ दे आर नॉट कंसिडरेट उनका में ना पर्पस होता है जो विलेज स्टैंड वालों का पर्पस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है उनका डिज़ायर ख़त्म हो जाता है बिकॉज जो सिटी मनी है शहर में जो पैसा है वो उनके हाथों में नहीं आता है उनके विलेज में अगर न्यू मनी नहीं आएगा देन हाउ विल द विलेजर्स प्रोग्रेस सो दैट इज़ वाई यू नो यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रांसफर हुआ है The word pathetic is has actually been used for the people at the roadside stand, but poet ni stand ko pathetic kiya hai to draw a parallel between the state of the people and the state of the roadside stand. Okay, next question. Though money holds the same value everywhere, the poet draws a distinction between city money and country money. Elaborate. A पैसों की तो वही वैल्यू होती है तो यहाँ पे पोएट क्यों कह रहा है कि द इज अ डिफरेंस बिटवीन द सिटी मनी एंड द कंट्री मनी तो उसका आंसर है दैट यू नो जिस तरह से पैसा कमाया जाता है या सिटी में खर्च किया जाता है वो बहुत डिफरेंट है एज़ कंपेयर टू द कंट्री सिटी मनी जो ऑन किया जाता है दैट इज़ थ्रू अ कॉम्प्लेक्स मैनर इम्पर्सनल ट्रांजेक्शनस होते हैं आ, उसके बहुत लेन देन होता है तब जाके पैसा कमाया जाता है जबकि जो कंट्री है जो विलेज है वहाँ पे पैसा कमाया जाता है थ्रू हार्डवर्क पर्सनल कनेक्शंस के थ्रू पैसा कमाया जाता है तो इसीलिए पोएट पोइट को लगता है कि सिटी मनी में जेन्यून ह्यूमन टच नहीं होता और वो सिंपलिसिटी नहीं होती जो कंट्री मनी में हमें मिल जाती है ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोड साइड स्टैंड एंड द मूविंग कार्स आर अ कंट्रास्ट अराउंड विच द एंटायर पोएम इज बोवन एक्सपाउंड एक्सपाउंड का मतलब होता है इस बात के ऊपर ज़्यादा बात करो इस बात को डिटेल में आपको डिस्कस करना है तो अब इनमें ये जो थीम है ये सेंट्रल थीम है इस पोएम की तो ये कंट्रास्ट कैसे ड्रॉ किया गया है अब स्टैंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक फिक्स्ड पोजीशन एक सिंपल एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ इन द कंट्रीसाइड कंट्रीसाइड मतलब विलेज और जो कार्स हैं दे आर मूविंग वो चल रही हैं और वो क्या सिंबलाइज करती हैं द फास्ट पेस्ड मॉडर्न एंड इंपर्सनल सिटी लाइफ जो सिटी में लाइफ होती है बहुत फास्ट पेस्ड होती है मॉडर्न होती है एज़ कंपेयर टू ट्रेडिशनल और उसमें लोगों का ज़्यादा पर्सनल टच नहीं होता है वो इम्पर्सनल होता है अब ये जो स्टाक डिफरेंस है ये क्या हाईलाइट कर रहा है ये हाईलाइट कर रहा है द क्लैश क्लैश मतलब द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू बिटवीन ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस और ये पोएट का यू नो कॉन्टेम्पलेशन भी रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑन द चेंजिंग टाइम्स एंड द लॉस ऑफ रूरल सिंप्लिसटी समय के साथ साथ जो विलेजेस में सिंप्लिसिटी था वो भी बदलता जा रहा है तो इसीलिए ये दोनों जो सिंबल्स हैं दे आर सो इम्पॉर्टेंट एज अ कॉन्ट्रास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ़ द कार इन द पोएम कार जो सिंबल है उसके बारे में हमारे को उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उस पर कमेंट करना है तो कार किस चीज़ को सिंबलाइज करती है इट सिम्बलाइजेज अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन मतलब डिवेलपमेंट शहर में रहना शहर में लाइफ जो होती है वो बड़ी डेवलप्ड होती है एज कंपेयर टू रूरल लाइफ अगेन मोर ओवर वॉट मोर डज द कार स्टैंड फॉर इट्स फॉर मॉडर्निटी इट्स फॉर प्रोग्रेस यू नो जिंदगी कितनी डेवलप्ड है किस तरह से लाइफ प्रोग्रेस कर रही है हम कितने मॉडर्न हैं अपने लिविंग स्टाइल में अपने आउटलुक में तो कार इन सारी चीज़ों को सिम्बलाइज कर रही है इसका जो सिंबल ऑफ़ द कार है इसको यूज़ किया गया है टू कंट्रास्ट विद द ट्रेडिशनल रूरल लाइफ व्हिच इज़ डिपिक्टेड बाय द रोड साइड स्टैंड राइट तो ये चीज़ यू you नो know, ये इस बात को एम्फोसाइज uh, करती है कि uh, जो अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ है ऑन द सिम्पलिसिटी एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कंट्री साइड मतलब लो कंट्री साइड में जो सिंपल थे जो ऑथेंटिक थे अब वो भी अर्बनाइजेशन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द पोएट रीच अ कंक्लूसिव सॉल्यूशन फॉर द इशू एट हैंड डिस्कस ये लास्ट पार्ट ऑफ द पोयम के साथ कनेक्टेड है तो इसका आंसर है नहीं नो द पोएट डज नॉट रीच अ कंक्लूसिव सॉल्यूशन वो बल्कि एक यू नो कंट्रास्टिंग इमेज क्रिएट करता है रोड साइड स्टैंड की मूविंग कार्स की

बट रीडर को एनकरेज करती है कि आप सोचो कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोसाइटल चेंज हैं उनका असर क्या होगा उनका इफ़ेक्ट क्या होगा इस बात के ऊपर रिफ्लेक्ट करो यू नो पॉन्डर करो थिंक करो सो ऑल दीज वर्ड्स रिफ्लेक्ट पॉन्डर और थिंक दे आर सिनोनिम्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पीपल फ्रॉम द कंट्री साइड इन द रोड साइड स्टैंड इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो लोग लो रोड साइड स्टैंड पे चला रहे हैं रोड साइड स्टैंड को चला रहे हैं उनके बारे में दो कोई भी कैरेक्टर ट्रेट्स uh, हम कौन से इन्फर कर सकते हैं फ्रॉम द पोएम तो फर्स्ट इज दे हैव एंडलेस पेशेंट पेशेंस वो बहुत वेट uh, करते हैं पेशेंटली एंडलेसली फॉर द काइंडनेस ऑफ द पीपल फ्रॉम द सिटी शहर से आकर कोई उनकी तरफ काइंडनेस दिखाएगा तो उनका ये जो वेट है ये एंडलेस है राइट दिस इज डिमोन्स्ट्रेटिंग देयर पेशेंस और इवन देयर परसिस्टेंस सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है दैट दे है डिज़ायर टू लिव एन आइडियल लाइफ अ परफेक्ट अ हैप्पी लाइफ विच इज शोन इन द मूवीज दे आर होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टमिस्टिक उनको भी ऐसा चांस मिल जाए वेल बाय दे कैन लिव सच अ काइंड ऑफ लाइफ

आपको दो टेक्स्ट में से रेफरेंस देकर अब आपने एक कॉन्वर्जेसन लिखना है बिटवीन अ बैंगल मेकर एंड द ओनर ऑफ़ द रोड साइड स्टैंड विद रेफरेंस टू द अबव एक्सट्रैक्ट अब लॉस लॉस स्प्रिंग के बैंगल मेकर्स का क्या रोना है कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं यू नो you know, कोई और काम करने के लिए उनको ये बैंगल का ही काम करना पड़ेगा मतलब उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि उनको भरपेट खाने को मिल सके राइट right? और रोड साइड स्टैंड वाले क्या बोल रहे हैं हमने ये रोड साइड स्टैंड बनाया है सो दैट वी कैन गेट सम सिटी मनी राइट तो दोनों के डिमांड मनी के लिए ही है फर्स्ट डिमांड फॉर मनी इज टू सेटिसफाई दे डिजायर देर बेसिक डिजायर टू हैव फूड

कॉल इन एंड देन हिज डायलॉग एंड देन इट फॉलोज विद द सेकेंड पर्सन एंड सो ऑन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट वर्ड्स लाइक हो हाउ आर यू ये वट आर यू डूइंग ये जो स्लाइन लैंग्वेज है ना ये मत लिखना बिकॉज ये आपके वर्ड लिमिट को एक्सटेंड कर देगी आप जो आंसर है वो नहीं लिख पाओगे आप यू नो अजीब सी बातों में अपना पूरा वर्ड लिमिट यूज अप कर लोगे एंड देन आइदर योर आंसर विल बिकम वेरी लॉन्ग एंड यू विल मिस आउट ऑन सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका आंसर वेग हो जाएगा सो ट्राई एंड स्टिक टू वट हैज बीन आस्ड इस कॉन्वर्जेशन में हमें ऑलरेडी बोला गया है कि द ओनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड इज गोइंग टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन बाई टिंग अबाउट द बैंगल्स विच द बैंगल मेकर आर सेलिंग एंड देम अबाउट देयर एक्सपीरियंस इन द बिजनेस अब बैंगल मेकर आप देख रहे हो उसके बाद कॉलन लगा हुआ है अब वो क्या जवाब देगा कि फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग करना बड़ा टफ लाइफ है हम सदियों से जनरेशन से ये काम कर रहे हैं बट इवन टुडे इट इज़ नॉट पेइंग मीट टमीटा नीड्स टुमीटा नीड्स मतलब हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं हम तो बेरली इतना कमा पाते हैं कि हम खाना खा सकें मतलब खाना ही इतनी मुश्किल से मिलता है तो हम अपने बच्चों को एजुकेट कहाँ से कराएंगे एंड बिकॉज हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो हम इस बिजनेस में ट्रैप्ड हैं हम बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड नहीं कर सकते और ये एक विशेष सर्कल है पॉवर्टी का जो कभी भी खत्म नहीं होएगा विशेष सर्कल का मतलब होता है क्रूअल सर्कल अ नेवर एंडिंग सर्कल अब इसके बाद अगेन ओनर ऑफ द रोड साइड स्टैंड की बारी आएगी टू कंटिन्यू विद द विद्वर्जेशन He will express his understanding of the situation और वो अपनी प्रॉब्लम भी बताएगा कि हाँ यहाँ पे कंट्री साइड में हम भी स्ट्रगल करते हैं टू मेक हम वेट करते हैं सिटी पीपलेंगे और हमसे कोई चीज खरीदेंगे यू नो वी आर डिपेंडेंट ऑन दिटी मनी टू गेट बायर लाइफ अब बैंगल मेकर भी उनके साथ सहानुभूति करेगा कि हाँ बहुत यू uh, नो you know, तकलीफ होती है सोच के कि हम सब सेम फाइनेंशियल सिचुएशन में हैं फिरोजाबाद में तो हम पुलिस से भी डरते हैं ब्यूरोक्रेट्स, मिडिल मैन से भी डरते हैं बिकॉज ऑल ऑफ देम एक्सप्लॉटर्स हमारा यू you नो know, नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं हमें एक सोसाइटी uh, बनाने से कोऑपरेटिव बनाने से रोकते हैं uh, जब भी हम अपने राइट्स डिमांड करते हैं तो वो हमें जेल में डाल देते हैं और ओनर अब यहाँ पे आपने देखा कि पॉलिटिशियंस के बारे में नेगेटिव कमेंट आया क्योंकि सिमिलैरिटी तो के दोनों के सिचुएशन में तो वही है तो बैंक यू नो द ओनर भी बोलेगा कि हाँ सिर्फ आपकी बात नहीं है बट हमारे को भी यहाँ पे गवर्नमेंट फॉल्स प्रोमिस करती है एजेंसीज़ हैं जो प्रिटेंड करते हैं हमारे को हेल्प करने की बट हमारी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आता है इट रिमेंस सेम देन दे विल टॉक अबाउट द सोल्यूशन कि लगता है कि हमारी लाइफ में तो हमारी सिचुएशन में कोई फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं होगा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा जो पॉवर्टी है वो कंटिन्यूसली हमारा पीछा करेगी और ये बात जो है वो बड़ी डिसहार्टनिंग है तो उसके बाद ओनर बोलेगा कि हम तो बस एक बेटर फ्यूचर के लिए होप कर सकते हैं प्रे कर सकते हैं वी नीड टू कैरी ऑन विद अ स्ट्रगल्स सो इन दिस वे यू विल डेवेलप योर कॉन्वर्जेशन where first they talk about the situation then they talk about what they want and when then they talk about what is stopping them the problems that they are facing and then finally the hope that shayad kabhi kisi din kuch behtari ho jaye so that is how the conversation will be written next question imagine a car stops and actually buys from the roadside stand

अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि आप एक फार्मर हो और आपके रोड साइड स्टैंड से एक सिटी का रुके कोई चीज़ खरीदती है अब आपको करना क्या है आपने डिस्क्राइब करना है अपने एक्सपीरियंस को और आपके आफ्टर थॉट्स को जब आपको सिटी मनी मिला तो आपने क्या महसूस किया इस बारे में आपने लिखना है सो हाउ विल यू स्टार्ट आप बताओगे बाय इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेडली गुड डे आप बताओगे कि स्कॉर्चिंग सन था वो सेट हो रहा था और यू you नो know, दिन का अंत का मतलब है दैट होप्स व डाइंग विद द डाइंग डे जैसे जैसे दिन खत्म हो रहा था तो उम्मीदें भी खत्म हो रही थी इसीलिए यहाँ पे सेटिंग ऑफ द सन की हमने बात की है और वो बोलते हैं उस टाइम पे दे अकर्ड अ मेरेकल एक कार मेरे हम्बल रोड साइड स्टैंड पे रुकी एंड आई वाज फिल्ड अप विद एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस मैं एक्साइटेड था कि शायद वो कुछ खरीदेंगे और नर्वस था अगर नहीं खरीदा तो और उस कार में से एक वेल well ड्रेस्ड बंदा उतरा और उसने जो हमने सामान रखा हुआ था उस चीज को देखा उसको हमारा सामान भी पसंद आया और उसने कई चीज़ें खरीदी भी और इसके कारण व्हाट हैपेंड आई फेल्ट एक्सट्रीम जॉय इन माय हार्ट मेरा जॉय जो था वो इमेजरेबल था मेरे अंदर प्राइड भी हुआ कि उसने हमारी चीज़ें खरीदी हैं हमने थोड़ी सी बातें एक्सचेंज करी एंड मैंने इन इस दौरान वेन वी वर एक्सचेंजिंग वर्ड्स आई नोटिस हाउ डिफरेंट आर लाइफ वर हमारी लाइफ जो सिटी ड्वेलर है और जो मेरी लाइफ है वो कितनी डिफरेंट है वो किस तरह से ड्रेस था वो किस तरह से बोल रहा था वो किस दुनिया से आया था मेरी लाइफ से बिल्कुल कंट्रास्ट में था हम दोनों एक दूसरे से अलग थे बट एट दैट मोमेंट जब उसने मेरे बारे में सोचा मेरी तकलीफ़ के बारे में सोचा तब हमारे अंदर एक कनेक्शन बन गया अब कार चली गई है पीछे सिर्फ धूल मिट्टी छोड़ के गई है इट हैज़ ओनली लेफ्ट बिहाइंड ट्रेल ऑफ डस्ट बट मैं इस एनकाउंटर के सिग्निफिकेंस को सोचे बगैर नहीं रह सकता uh, सिटी मनी मेरे हाथों में आया तो ऐसे लगा कि मैं जीत गया हूँ इट फेल्ट लाइक अ ट्राइम इट वॉज अ ग्लिमर ऑफ होप मुझे इससे उम्मीद मिली ये जो एंडलेस स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है इसमें जरा सी होप जो होती है वो बहुत बड़ा काम करती है इट फिल्स यू विद ऑप्टिजम तो मैंने अब सिटी मनी आने के बाद सोचा है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस पैसे के आने से शायद मेरे बच्चों को एक बेटर एजुकेशन मिल जाए हो सकता है हम यू नो वी विल बी एबल टू ब्रेक द चेंटी हो सकता है कि हमारी जनरेशन तक लाइफ को यू you नो know, इसका इफेक्ट मिले दे विल बी एबल टू लीड अ बेटर लाइफ बट एट द सेम टाइम इवन व्हेन आई वाज एक्साइटेड देयर वाज अ फियर इन माय हार्ट के हो सकता है दिस इज ओनली अ फ्लीटिंग मोमेंट ऑफ रिलीफ हो सकता है आगे कोई और मतलब यू नो कोई और सिटी ड्वेलर मेरे रोड साइड स्टैंड पर आकर ना रुके जो हमारी हार्श लाइफ की रियलिटी है वो मुझे नौ कर रही है नौ कर रही है मतलब धीरे-धीरे Uh, मुझे च्यू कर रही है धीरे धीरे uh, मुझे खोखला कर रही है मुझे रिमाइंड कर रही है कि हमारी लाइफ कितनी अनसर्टन है वो कार दोबारा से कल आएगी क्या उसके जैसे और कार हमारे पे आएंगे सो दिस इज द अनसर्टनटी दैट द रोड आर फीलिंग स्पाइट ऑफ द फैक्ट उनके रोड साइड स्टैंड पे एक कार आके रुकी वो सोच रहे कि ये सिर्फ टेम्पररी लग था या फिर या एक यू नो इट इज एंड Uh, जो आज तक हमारा लैंडस्केप पॉवर्टी का लैंडस्केप जो चेंज नहीं हुआ है उसमें सिर्फ ये टेम्प्री लक था वांटेड बिकम अ परमानेंट लग तो फिर वो फाइनली अपने आपको दिलासा देता है ऑल दो ही इज फिल्ड विद एप्रीहेंशन बट ही इज ग्रेटफुल कि चलो एक कार तो आके रुकी एक बार तो मैंने द आई वॉज एबल टू टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ द सिटी मनी एंड यू नो वो बोलता है कि काश एक ट्रू चेंज आए और भी लोग रुके हमारे स्टैंड पे और हमारी चीज़ें लें बट इस सिचुएशन को पूरा करने के लिए हमें बड़ा रेजिलिएंट होना पड़ेगा हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा हमें कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ पावर्टी तो उस दिन तक जब तक वो दिन नहीं आता है लेट मी चेरिश दिस होप एज अ रिमाइंडर के हमारे स्ट्रगल्स शायद खत्म हो जाए देर अ बेटर चांस ऑफ लिविंग अ बेटर लाइफ द नेक्स्ट डे इन दमिंग टमोरोज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिन अ चाइल्ड फ्राम द फार्मर्स फैमिली माइग्रेट टू दिटी फॉर दर एजुकेशन एक फार्मर का बच्चा है जो सिटी जाता है टू गेट गुड एजुकेशन अब उस बच्चे की तरफ से आपने अपनी फैमिली को एक लेटर लिखना है दैट वेदर यू वुड और वुड नॉट वॉन्ट टू टर्न इन टू अटी पर्सन क्या आप चाहोगे या नहीं चाहोगे turn to become a city person. अब आपने ये लेटर लिखने के लिए यू हैव टू यूज द कॉन्टेक्स ऑफ द पोएम रोड साइड स्टैंड और उन्होंने आपको लेटर लिखने का तरीका भी बताया है the sender's address, that is एड्रेस दैट इज Then डेविडसन काउंटी देन दे the डेट also.

अगर अगर हम कहते हैं कि सिर्फ विलेज में अच्छी लाइफ है सिटी कुछ ऑफर नहीं करता तो वो भी गलत है अगर हम कहते हैं कि सिटी ही सब कुछ ऑफर करता है रूरल लाइफ में कुछ नहीं है तो वो भी गलत है सो वी हैव टू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग एट बोथ द प्लेसेस अगर अब हम यू नो रूरल लाइफ की बात करें अगर हम रोड साइड स्टैंड की बात करें तो कौन सी चीजें दिमाग में आती हैं इट इज़ द हार्ड वर्क द सिंपलिसिटी ऑफ लाइफ द जेन्यून कनेक्शन दैट इज़ शेयरड बाई पीपल इन दिलेज तो ये सारी जो बातें हैं ये रोड साइड सैंड के साथ होती हैं अगर हम सिटी की बात करें तो उसके क्या पर्कस हैं उसकी क्या बेनिफिट्स हैं कि वो आपको एक अच्छी एजुकेशन देता है आपका जो होराइजन है उसको ब्रॉडन करता है आपको न्यू एक्सपीरियंसिस मिलते हैं बट सिटी लाइफ कैसी है बहुत फास्ट पेस्ड है बहुत बस्लिंग है तो उसमें आपको ट्रैंक्विलिटी आपकी खो जाती है ये ट्रैंक्विलिटी आपको कहाँ मिलेगी ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति ये ट्रैंक्विलिटी आपको मिलती है विलेज में अपनी खुद की कम्युनिटी में अब सिटी में वो क्या बिटनेस कर रहा है ही इज विटनेसिंग प्रोग्रेस बट ही इज़ ऑल्सो विटनेसिंग द हार्श रियालिटीज ऑफ अर्बन लाइफ प्रोग्रेस के साथ साथ ऐसी भी रियालिटी होती हैं जो स्वीट नहीं होती हैं जो बहुत बिटर होती हैं अब सिटी लोग कैसे होते हैं वो हमेशा एक ना एक ड्रीम को चेस कर रहे होते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं जो कभी भी उनको मिलती नहीं है सिटी uh, में बहुत ग्लिटरिंग लाइट्स हैं बड़ी बड़ी टावरिंग बिल्डिंग्स हैं इनको देखकर हम कैप्टिवेट होते हैं बट इनके पीछे स्ट्रगल्स छुपे हैं इनके पीछे लोनलीनेस छुपी हुई है राइट right? सो सिटी लाइफ में अगर कुछ अच्छा है तो बहुत कुछ है जो बुरा भी है तो अब वो बोलेगा कि जैसे मैं सिटी लाइफ में नैविगेट कर रहा हूँ जी रहा हूँ तो मेरे अंदर एक डिज़ायर आता है फॉर द सिंपलिसिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द रोड साइड स्टैंड सिटी मनी कंफर्ट्स देता है पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है बट इट नॉट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शंस एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग

के लोग सिटी से एजुकेशन लेकर आए नॉलेज लेकर आए, वो एक्सपीरियंसेस, वो यू नो एबिलिटी, वो ऐसी आइडियाज़ लेकर आए जिससे कम्युनिटी उनके जो विलेज कम्युनिटी है वो अपलिफ्ट हो एंड दे आर एबल टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ देयर हम्बल रोड साइड स्टैंड सो आप इस तरह से अपना लेटर टू योर मदर लिखो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिन योर नेरुडा द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट वॉट एडवाइस माइट यू ऑफर टू रॉबर्ट फ्रॉज द पोएट ऑफ अ रोड साइड स्टैंड इन द कॉन्टेक्सट ऑफ हिस कॉन्फ्लिक्ट इमोशंस एज डिप्लेड इन द गि लाइन्स आपको कुछ लाइन्स दिए गए हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट इमोशंस हैं अब पैब्लोन ने पोएम कीपिंग क्वाइट लिखी है ही इज टॉकिंग अबाउट यू नो कीपिंग स्टिल फॉर अ मोमेंट नॉट इन डल्जिंग इन एनी एक्टिविटी फॉर अ मोमेंट ही इज एडवोकेटिंग इंट्रोस्पेक्शन रेट्रोस्पेक्शन तो अगर आपको ये पॉइंट्स याद है कीपिंग क्वाइट के तो यही चीज़ें आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट को भी समझानी है अब रोड साइड स्टैंड की कौन सी लाइन्स दी गई हैं द रिक्वेजेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन आई कॉन्ट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ द पेन अब आपने क्या करना है यू हैव टू पेन डाउन यू पेन डाउन मीन्स यू हैव टू राइट योर एडवाइस इन अ लेटर टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड यू मे बिगिन दिस वे अब आपको पता है आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लेटर लिख रहे हो तो वो डियर रॉबर्ट ही नाम आएगा यू कैन नॉट राइट एनी अदर नेम आई रिसेंटली रेड योर पोएम अ रोड साइड स्टैंड एंड डैश 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 अब आपको अपना उसके साथ आपको एडवाइस ऑफर करनी है राइट right? एंड हाउ विल यू एंड द लेटर अगेन आपको एग्जामिनार uh, ने पेपर सेटर ने बताया है आई होप दिस एडवाइज इज़ हेल्पफुल टू यू प्लीज लेट मी नो इफ देर इज एनीथिंग्स आई कैन डू टू सपोर्ट यू वॉमली पैब्लो ने तो आंसर आप ऑलरेडी टोल्ड यू के uh, जो हमारे पैब्लो नेरुडा हैं नरूडा हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस को क्या बोलेंगे वो यही बताएंगे कि आई कैन अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग इन मेकिंग डिसीजनस जब हम अपने इमोशन से ओवरवेलम हो जाते हैं ओवरवेलम मतलब जब हमारे इमोशंस हमें पूरी तरह अपने बस में कर लेते हैं तब बड़ा मुश्किल होता है कोई भी सेम डिसीजन बनाना तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो यू कैन यू नो टेक अ मोमेंट टू कीप स्टिल आप इंट्रोस्पेक्ट करो रेट्रोस्पेक्ट करो अगर आप ये दोनों चीज़ें करोगे अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन और आप अपनी ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्शन कर पाओगे और दूसरों के साथ भी कनेक्शन कर पाओगे अगर आप एक मिनट यू नो इफ यू विल बी स्टिल फॉर अ मोमेंट इफ़ यू कॉन्टेम्पलेट इफ़ यू थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन अबाउट द फेट ऑफ द पीपल एट द रोड साइड स्टैंड तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा अपने मन को शांत करने से बाय बींग प्रेजेंट इन द मोमेंट आपको उन रोड साइड स्टैंड के ड्वेलर्स की स्ट्रगल्स का पता चलेगा उनके पेन के बारे में आप ऑब्जेक्टिवली सोच पाओगे एंड विद दिस यू विल गेन अ न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट योर ओन प्लेस इन द वर्ल्ड तुम्हारा क्या काम है उस दुनिया में तुम किस मुकाम पे हो उस दुनिया में तुम्हें ये बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अगर तुम अपना रूटीन तोड़ोगे और एक मिनट के लिए यू नो यू विल बी स्टिल एंड यू रिफ्लेक्ट अपॉन योर एक्शंस तो यू विल गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन और जो तुम डिसीजन बना पाओगे ले पाओगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फंक्शनल एंड यूजफुल सो दिस मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन कैन हेल्प यू टू यू नो सी बियॉन्ड द कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस आपको ये कॉन्फ्लिक्ट इमोशंस को ओवरकम करके आप रियल सिचुएशन को देख पाओगे आपके दूसरों के साथ कनेक्शन बनेगा और जब कनेक्शन बनेगा तो आप उनके इश्यूज़ को भी सॉल्व कर पाओगे तो हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि वी कनेक्ट विद आर ओन सेल एंड इन ऑर्डर टू यू नो एडवाइस ताकि के हम लोगों को एक बैलेंस्ड एडवाइस दे सकें और एक काम एडवाइस दे सकें सो दिस इज़ हाउ यू विल एडवाइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट सो नाओ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन जो ऑलरेडी uh, हमने हो सकता है इन सम फॉर्म ऑल दी अदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हों या फिर रिविजन में उन पॉइंट्स को कवर कर लिया है तो मैं उनको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी आई जस्ट भी डिस्कसिंग दैम आई है आंसर सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट डज द एक्सप्रेशन पॉलिश ट्रैफिक रिफर टू दॉलिश ट्रैफिकिंग टू ऑल द स्मार्ट पीपल हु आर इन दार्स फ्रॉम द सिटी What does it reveal about city people? The city people are very smart. They are the ones who represent the haves in the society. Haves मतलब जिनके पास सब कुछ है uh, रोड साइड स्टैंड वालों को हम क्या बोलेंगे Have-nots have मतलब उनके पास अभी बहुत कुछ है जो नहीं है राइट सो वट डज इट रिवील अबाउट सिटी पीपल दैट दे हैव many things इन दे लाइफ दे आर वेल ऑफ दे आर स्मार्टली dressed.

उनके पास कोई टाइम नहीं है कि वो रोड साइड स्टैंड वालों के बारे में सोचें थर्ड क्वेश्चन द पोएट अबाउट द पावर ऑफ मनी इन द रोड साइड स्टैंड पोएट हमारे को क्या बता रहा है कि मनी का पावर क्या है तो मनी क्या हमारे लिए कर सकता है मनी इज क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन हैव्स एंड हैव है सिटी के पास पैसा है तो दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ बट विलेज के पास पैसा नहीं है तो बेसिक थिंग्स लाइक अ गुड एजुकेशन सम एम्यूनिटी सम कम्फर्ट्स उनकी लाइफ में मिसिंग है सो दैट इज द पावर ऑफ मनी मनी इतना पावरफुल है कि द यू नो द गवर्मेंट द एजेंसीज जो हेल्पफुल एजेंसीज होती हैं जो बोलती हैं हम सोशल अपलिफ्टमेंट uh, में लगे हुए हैं दे आर नॉट एक्चुअली वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल एट द रोड साइड स्टैंड दे वॉन्ट द टू फील द पावर ऑफ मनी दे वॉन्ट टू यू नो टू ड्यूप द पीपल वो रोड साइड स्टैंड वाले लोगों को ड्यूप करना चाहते हैं ड्यूप मतलब धोखा देना चाहते हैं उनका लैंड हथियाना चाहते हैं सो दैट दे गेट द मनी तो यहाँ पे पावर ऑफ मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डॉल द लोंगिंग फॉर मनी अ चाइल्ड लॉन्गिंग इन द पोएंग फॉर मनी अ चाइल्ड लॉन्गिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज ये लॉन्गिंग कोई सैटिस्फाई नहीं कर रहा है वो रोड साइड स्टैंड ड्वेलर्स की इमेचोरिटी बता रहा है उन्होंने ऐसे लोगों से उम्मीद लगाई है जो उनके बारे में सोचते ही नहीं है हु आर कम्प्लीटली अनएम्पथेटिक टू सिचुएशन इसीलिए क्योंकि ये लॉन्गिंग कभी फुलफिल नहीं होगी इसीलिए इसको चाइल्डिश लॉन्गिंग बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द टू सिग्निफिकेंट रोल्स ऑफ मनी इन द लाइफ ऑफ पुअर पीपल तो ऑलरेडी मैंने थर्ड क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियर द एंड ऑफ द पोएम वाई डज द पोएट सीक एन अनरियलिस्टिक सोल्यूशन फॉर द पुअर पीपल्स डिस्ट्रेस even though he earlier he had blamed them for their childish longing in vain ab unko wo blame to kar raha hai ki unki longing childish hai childish kyu hai kyunki wo kabhi puri nahi hogi but longing to hai na ek desire har insaan ka desire hota hai to live a better life right अब वो उनकी desire को satisfy नहीं कर सकता, उसके पास कोई solution नहीं है। there is no one who is ready to help them तो अब उसका अनरियलिस्टिक सोल्यूशन पोएट क्या सोचता है कि मुझे वन स्ट्रोक लेट मी पुट देम आउट ऑफ द पेन मुझे उनको एक ही स्ट्रोक में खत्म कर देने दो ना वो जिंदा रहेंगे ना उनके यू you नो know, उनको इतना पेन होगा तो इस वो ही इज सो ओवरकम बाय द पेन ऑफ द पुअर पीपल दैट ही कैन नॉट फाइंड अ रियलिस्टिक सोल्यूशन ऑल्दो ही कॉल्स अ लॉन्गिंग चाइल्डिश बट ही अंडरस्टैंड वाई आर द लॉन्गिंग for good things in life but because he's unable to find a solution so therefore he is seeking an unrealistic solution for their problem okay next question is what was the plea of the folk who had put up the roadside stand already i've told you they want to feel the city money in their hands they want the car to stop even for a moment even if it is only for a moment Na बट एटलीस्ट लीस्ट देख कर तो जाए वो क्या बेच रहे हैं एटलीस्ट उनको यू नो यू नो एक अपॉर्चुनिटी तो दें टू बी एबल टू सेल द प्रोड्यूस सो दैट इज द डिजायर द प्ली ऑफ द फोक एट द रोड साइड स्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ कार इन द पोएम रोड साइड स्टैंड ये पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी पहले डिस्कस्ड है सो आई नॉट डिस्कस अगेन And again, our uh, Yebala question: Why does the poet call the longing for money a childish longing? Because uh, already discussed, this uh, longing will never be The city people are unempathetic; they are not willing to buy things at the roadside stand, and therefore, it is a childish longing. Okay. Next question is: A roadside stand is a social satire depicting the two contrasting worlds existing in society. जस्टिफाइड किस पे है ये सोसाइटी पे है सोसाइटी पे किस तरह से satire है? जिनके पास बहुत कुछ है वो उनके बारे में नहीं सोचते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है सोचना तो दूर वो हेल्प ही नहीं एक्सटेंड करते वो कोई सोल्यूशन भी नहीं देते हैं जिनके पास पावर है टू चेंज देशन वो अपने ही पर्सनल एजेंडा में खोए हुए हैं वो इन रोड साइड स्टैंड वालों का यू नो लैंड हथियाना चाहते हैं इनक्रोचमेंट करना चाहते हैं सस्ते दामों पे लैंड खरीद के अपनी जेबों को भरना चाहते हैं तो ये सोसाइटी के ऊपर एक सटायर है सोसाइटी इज क्रिएटिंग टू सेट्स ऑफ पीपल टू क्लासेस ऑफ पीपल एक जिसके पास सब कुछ है और एक जिसके पास कुछ नहीं है सब कुछ में पैसा भी है एजुकेशन भी है अपॉर्चुनिटी भी है और एक जिनके पास बेरली इनफ है कि वो भरपेट खाना खा पाए सो दे फॉर इट्स अ सोशल सटायर नेक्स्ट क्वेश्चन रॉबर्ट इस पोएम यूजली फोकस ऑन द थीम ऑफ ह्यूमन ट्रेजिडीज एंड फियर्स एंडर अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ द सोलूशन जस्टिफाई अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चा ना जनरल लिख देगा वो पोएम के साथ रेफरेंस नहीं देगा आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है बट आप रेफरेंस टू द पोएम देना भूल जाते हो अब क्वेश्चन क्या कहा गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस की जो थीम होती है पोएम्स की थीम होती है वो जनरली ह्यूमन ट्रेजिडीज और उनके फियर्स होते हैं और फाइनली जो उनको सोल्यूशन मिलता है उनको वो सोल्यूशन एक्सेप्ट करना ही पड़ता है तो क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हो अगर एग्री कर रहे हो तो आपने जस्टिफाई करना है जस्टिफाई करने के लिए क्या आप करोगे आप रोड साइड स्टैंड से रेफरेंसेस लोगे। स्टैंड में ह्यूमन ट्रेजिडी क्या है दे आर सफरिंग फ्रॉम दॉट उनके पास बेसिक एजुकेशन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनके पास कंफर्ट्स के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है वट डू दे फियर कि उनकी पूरी जिंदगी इस तरह से निकल जाएगी No नो वन विल स्टॉप एट द स्टैंड एंड गिव दम समी मनी वो कभी भी अपने बच्चों को एक यू नो काबिल एक प्रॉस्परस बंदूमन बींग नहीं बना पाएंगे They and their families will be living in poverty for the rest of their lives. तो अब सोल्यूशन क्या है पोएट का सोल्यूशन तो ये था टू किल द मॉल बट इज इट कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नो तो इस तरह से आपको पोएम को यूज करके रॉबर्ट फ्रॉस की थीम क्या है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ओके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माइग्रेशन ऑफ एंड कम्स विद द प्रॉमिस ऑफ अ बेटर लाइफ हावेवर द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट इन द पोएम द रोड साइड सैंड वी सी अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट द रियालिटी ऑफ सम ऑफ दिस माइग्रेशन इज इज दीज इज़ माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना हम कभी भी एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं क्योंकि हमें उम्मीद होती है वहाँ जाकर हमें एक बेहतर जिंदगी मिलेगी बट वहाँ जाके हमें क्या पता चलता है कि जो रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है राइट right? अब रोड साइड स्टैंड वालों की हम देख रहे हैं रियलिटी क्या है उनके लिए माइग्रेशंस क्या मीन कर सकते हैं तो अब आपने इमेजिन करना है कि आप एक लेक्चर दे रहे हो ऑन द इश्यू ऑफ माइग्रेशन एंड फॉल्स प्रामिस अब आपने अपना लेक्चर को प्रिपेयर करना है रिफरिंग टू द पोएम अब इसमें आप क्या लिखोगे वॉट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन टू द रूरल फ्लॉक वेन द रीलोकेट नियर द सिटीज एज एक्सपेक्टेड बाय द पोएट तो शुरुआत आपको लाइन दे दी है माइग्रेशन हैज बीन एग्जिस्टेंस इन सिविलाइजेशन सिंस लॉन्ग people have migrated to the cities hoping to live for a better life but when they reach the cities what do they find there there are many people like them living on the streets they are living in abject poverty the opportunities for employment are very less even if they get opportunity for some kind of a job the, they are paid very less amount of money which again leads to further poverty and denial of basic human rights like education, a good home and food to eat. तो so, इस तरह से आप अपना यू नो पोएम को और माइग्रेशन को कोलिंग करके कि अगर ये रोड साइड स्टैंड वाले वहाँ पर चले भी जाएं तो अगेन दे विल नॉट हैव एक्सेस टू अ गुड लाइफ इस तरह से आप अपना ये आंसर कंप्लीट करोगे So, with this, we come to the end of the video. I hope that you liked it and will share it with your friends, students, and colleagues. Thank you so much for giving me your time and viewing the video. All the best for your exams. I hope you get a very good grade.